आज मैं आप लोगों को व्याकरण पढ़ाऊंगी और 8 से 5 तक के बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे। आपका 11 चैप्टर है सर्वनाम। इस चैप्टर में गलत छपा हुआ है, 11 चैप्टर दे दिया है शब्द विचार। तो सर्वनाम के बारे में जानेंगे हम लोग। सर्वनाम सभी नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। अपना परिचय देते समय अथवा किसी अन्य का परिचय प्राप्त करते समय संज्ञा अर्थात नाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरा नाम अमित है। जब संज्ञा को बात आगे बतानी होती है तो वह बार बार अपना नाम प्रयोग नहीं करता बल्कि नाम के स्थान पर मैं अथवा वह का प्रयोग करता है। जैसे मेरा नाम रवि है, मैं लखनऊ में रहता हूँ, मैं कक्षा 8 में या 5 में पढ़ता हूँ। उसका नाम रवि है, वह लखनऊ में रहता है, वह कक्षा 5 में पढ़ता है। यहाँ रवि के स्थान पर मैं तथा वह का प्रयोग हुआ है। संज्ञा रवि के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द हैं, मैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, वह, यह, तू, हम, वे इत्यादि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के प्रमुख 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। वार्तालाप के समय 3 प्रकार के व्यक्तियों को वार्तालाप का अंश बनाना होता है, बोलने वाला, सुनने वाला, कोई अन्य जिसके विषय में बात की जा रही हो। इस प्रकार बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे रवि बोला, मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं कहने वाला, यानी रवि ने मोहित से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तुम जो है बात सुनने वाला या जिससे बात की जाए। रवि और सचिन यहाँ बैठे थे, अब वे कहीं चले गए हैं। वे जो है अन्य जिनके विषय में बात की जा रही है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद माने जाते हैं। कहने वाला जो है उत्तम पुरुष होता है। सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है। जिसके विषय में कहा जाए वो अन्य पुरुष होता है। अब इसमें दिया है उत्तम पुरुष, तो क है उत्तम पुरुष। बात कहने वाला अथवा कुछ लिखने वाला व्यक्ति, अगर लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, हमें, मुझे इत्यादि। ख है मध्यम पुरुष, बोलने वाला व्यक्ति जिससे बातें कर रहा हो या लिखने में जिसे संबोधित कर रहा हो उसके लिए प्रयुक्त शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप इत्यादि। तू कहाँ गया था? आशा है आप प्रसन्न होंगे, तुम यहाँ बैठ जाओ। अब ग है अन्य पुरुष, बोलने वाला या लिखने वाला जिसके विषय में बात करता या कुछ लिखता है उसके लिए वह अथवा वे आदि शब्दों का प्रयोग करता है। वह और वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब उदाहरण है, वह कल लखनऊ जाएगा, वे कल यहाँ आएंगे, उसे एक प्याला चाय दे दो, ये सभी फल उन्हें दे दो। यहाँ वह, वे, उसे तथा उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आया है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित संज्ञा की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये प्रमुख हैं यह, वह, ये और वे। उदाहरण है, यह यहाँ क्यों आया? वे कहाँ गए? ये सब क्या कर रहे हैं? वे सब हंस पड़े। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का निश्चित बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं इत्यादि। अब उदाहरण है, किसी ने उसकी मदद नहीं की। दरवाजे पर कोई है।
दाल में कुछ पड़ा है, आप थैले किन्हें देकर आए। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनामों से संबंध बताएं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसने यह किया है वह सामने आए। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न प्रकट होता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, बाहर कौन खड़ा है, तुम्हें किसने बुलाया, यहाँ क्या कौन तथा किसने प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। छठवां है निजवाचक सर्वनाम, स्वयं के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैंने स्वयं अपना काम किया, तुम अपना लेख अपने आप सुधार सकते हो, मैं आप ही घर चला जाऊंगा, उसने खुद ही सारा सामान गाड़ी में चढ़ा दिया। सर्वनाम के वचन, संज्ञा की भांति सर्वनाम के भी एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं। मैं एक वचन का बहुवचन रूप हम हैं। इसी प्रकार यह का ये तथा वह का वे बहुवचन रूप हैं। वाचक आप और पुरुषवाचक आप में अंतर, निजवाचक आप और पुरुषवाचक आप में थोड़ी भिन्नता है। यह भिन्नता मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। पहला है पुरुषवाचक आदर सूचक आप का बहुवचन आप या आप लोग होता है, किंतु निजवाचक में आप ही दोनों वचनों में होता है। जैसे पुरुषवाचक आप कब आए, और निजवाचक आप में आप बुरा तो जग बुरा। अब पुरुषवाचक आप में आप लोग कब आए, और निजवाचक आप में श्रोता आप ही उठेंगे तो उठेंगे। दूसरा है पुरुषवाचक आदर सूचक आप प्रायः मध्यम पुरुष और कभी कभी अन्य पुरुष के लिए आता है, किंतु निजवाचक आप तीनों पुरुषों के लिए आता है। जैसे मध्यम व अन्य पुरुषवाचक आप, पहला है आप देर से क्यों आए, ये हो गया आपका मध्यम पुरुष। दूसरा है महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता माने जाते हैं, आप जैसा महान व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। अब ये है तीनों पुरुषों में निजवाचक आप, मैं आप ही सारा काम कर लूँगा, वह आप ही घर चला जाएगा, वह अपना काम आप ही कर लेगा। तीसरा है पुरुषवाचक आप, वाक्य में अकेले आता है, किंतु निजवाचक आप वाक्य में दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ भी आ जाता है। जैसे आप यहाँ क्यों बैठे हैं, पुरुषवाचक समीर आप ही उसे दूर तक छोड़ आया, यानी योग्य निजवाचक।